नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि जेल में उनका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है और वजन भी कम हो रहा है। इतना ही नहीं, बकायदा आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव के जरिए अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती, जिसकी वजह से अब उन्हें मारने की साजिश तिहाड़ जेल में रची जा रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के खुद तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ने बड़ा बयान दे दिया है। तो वही उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान मीडिया के सामने दिया है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर तिहाड़ जेल के डीजी ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल के वजन और इसी के साथ ही उनके शुगर लेवल को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के वजन घटने के आरोपों पर तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने कहा कि किसी कैदी की निजी जिंदगी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला होता है। लेकिन केजरीवाल एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिस तरीके से जेल मैनुअल है उसी हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही शुगर नहीं है, बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई सारे कैदी हैं जिनको शुगर की समस्या है और उनका भी उसी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ख्याल रखा जाता है। रही बात खाने पीने की, तो जेल मैनुअल के हिसाब से तमाम कैदियों को खाना दिया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो खाना है वो उनके घर से ही आता है। सुनिए तिहाड़ जेल के डीजी का बयान। देखिए, दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुंचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहां तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमेट शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माय इनमेट्स पॉपुलेशन। सो फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज, बट इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस आई डोंट एंटर इनटू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास। हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती हैं, कुछ परसीव्ड होती, बट होती तो उनको, उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमेट, जुडिशियल कस्टडी है इसलिए जरूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नल के उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शंस भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। तो ग्रीवेंस है वो लिखना है, उसकी एक प्रक्रिया, उसमें वील प्रोसेस इट, उसमें ऐसा क्या बात। एलजी को भी सर एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि इंसुलिन की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा उस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए एलजी साहब हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उन जिस भी इसी पे क्यों और बहुत भी मुद्दों पे वो हमसे रिपोर्ट मांगते रहते हैं। दिस इज नथिंग न्यू, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, एंड वी हैव रिप्लाइड हिम वट एवर वॉज द क्वेरीज रेस्ड एंड वी हैव सबमिटेड to the court and you all know the decisions.
किसी व्यक्ति विशेष के विषय में अंदर रहते हुए मैं उनके निजी पैरामीटर्स के बारे में या उनके रूटीन के बारे में मैं पब्लिकली कमेंट हम लोग नहीं करते, करने भी नहीं चाहिए, ये प्राइवेसी की इश्यूज होते हैं। बट ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एज एवरी अदर इनमेट, नो इश्यूज। देखिए तिहाड़ में 20,000 इनमेट्स हैं। अब 10% भी माने और दो जने आते हैं तो 4,000 से 5,000 इनमेट्स के घर वाले रोज आते हैं। तो एक ऐसी प्रणाली होती है जो सबको आसानी से एक्सेस हो और सबके लिए यूनिफॉर्म हो और कानून के दायरे में हो। यदि कानून कहता है कि किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए और शीशे के आसपास होनी चाहिए, तो हर आम कैदी के हर आम घर वाले जो मिलने आते हैं वो इसी प्रणाली में मिलते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। बाकी आरोप तो किसी पे, ये जो लगाते हैं उनसे पूछे उनने। आपको बता दें, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मंगलवार को जेल में केजरीवाल को इंसुलिन भी दी गई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तिहाड़ प्रशासन ने मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए 12:30 बजे का समय दिया था। उनसे मुलाकात हुई, एक फोन के माध्यम से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले उनकी चिंता ना करें, वे बहुत मजबूत हैं और जनता के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे। सुनिए जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। देखिए आज 12:30 का समय हमने मेरे नाम के लिए अनुमति दी थी कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके अंदर अरे भाई धक्का मत मार, भाई झगड़ा होता है। और उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, एक तरफ मेरे और एक फोन के माध्यम से जो है उनसे बातचीत हो पाई, उनसे बातचीत हुई, अच्छी बात है। उनके बारे में दिल्ली वाले चिंता ना करें, बहुत मजबूत है, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम है। इंसुलिन का जिक्र किया, जो इंसुलिन नहीं मिल रही थी उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी उस वक्त। हाँ, लगता है कि वो जानकारी तो आपको प्रशासन से ही मिल पाएगी। ठीक है, जो है वो प्रशासन आपको जानकारी देगा। सरकार क्या उन्होंने संदेश दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव का टाइम है, उन्होंने क्या संदेश दिया, क्या कोई कैंपेन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की, क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं के बारे में चर्चा की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चर्चाएं बहुत हुई मगर आपके कैमरे के सामने बताने जो है इस तरीके की नहीं, एक सर जनता को संदेश दिया। सर सरकार कैसे चलानी है, जनता की फिक्र है, जनता के लिए क्या मैसेज है सर? जनता के लिए सरकार को हर बार ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता के काम अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सरकार चलेगी, कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, इस पर आप क्या? बिल्कुल फिलहाल के लिए इतना ही कोई संदेश। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। ईडी की हिरासत के बाद सीएम को पहली बार इंसुलिन दी गई है। इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेल महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी थी। जेल प्रशासन ने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इसकी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों आप नेताओं ने जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि 15 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद और पंजाब के सहप्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद थे। और जैसे कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तो अरविंद केजरीवाल जैसे सौरभ भारद्वाज से मिले, उसी तरीके से भगवंत मान से भी मिले थे और सेम वही प्रक्रिया थी। एक शीशे की दीवार थी और फोन से दोनों की बातचीत हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलकर के तिहाड़ जेल के बाहर आते हैं, वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक आतंकवादियों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके और मेरे बीच में एक शीशे की दीवार थी और हम फोन से बात कर रहे थे। हालांकि सेम यही बात जो है वो सौरभ भारद्वाज भी कहते हुए नजर आए।
जाए, लेकिन अगर हम तिहाड़ जेल प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि हर दिन लगभग हजारों की तादाद में कई सारे कैदी हैं जिनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनके परिवार वाले भी वैसे ही मिलते हैं जैसे अन्य कैदी के परिवार वाले मिलते हैं, वैसे ही केशवाल से मिलने के लिए कोई शख्स आता है तो उनकी भी मुलाकात वैसे ही करवाई जाती है। फिलहाल जिस तरीके से मुलाकात हो या फिर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति हो, लगातार दिल्ली की सियासत में मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की जा रही है और लगातार उनका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ है नज़र आ रहा है क्योंकि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनके शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उन्होंने बकायदा ये क्लियर किया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।